कर रहा है जो सड़क के सभी लाखों हुए था इस कंटेनमेंट जोन में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कल सुबह 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी एक्सेप्ट दवा की दुकानें फल सब्जी दूध और दवा की दुकानें खुली रहेगी जिससे पेट्रोल पंप भी खुली रहेगी। बाकी सभी दुकानें प्रतिष्ठान भाषण करने के लिए बंद किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 39 संक्रमित हो चुके हैं जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस परिस्थिति महामारी को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में विहित कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। इस विहित कंटेनमेंट जोन में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। भाषण करने के लिए जो कल सुबह मंगलवार को सुबह 8 बजे से लाखा होते हुए जो सुबह सुबह 8 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी सिर्फ दवा की दुकान फल सब्जी दवा किराना की दुकानें जो खुली रहेगी बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेगी। आप सभी को आप सबको शहरी क्षेत्र के लोगों को आगाह किया जाता है कि अपने अपने घरों में रहेंगे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए घर से बाहर निकलेंगे या बाहर सब्जी दूध फल इत्यादि लेने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। मास्क पहनना कंपल्सरी होगा। पब्लिक प्लेस से कोई भी व्यक्ति अगर मास्क बिना पकड़े जाएंगे तो उससे 50 रुपये का दंड लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रावधान उस प्रावधान है अगर वाहन चला रहे हैं मास्क नहीं है तो उस पर 2 सेक्शन लागू हो सकता है। दंड की अनुरोधित की जा सकती है और बहुत से व्यक्ति हैं और मोटर व्हीकल है भी लागू की जाएगी जिसमें 2000 रुपये तक का फाइन प्रोविजन से बाइक पे 1000 मिनिमम फाइन प्लस 50 रुपये बाइक मास्क नहीं लगाने का। इसमें मास्क प्लेस पर लगाना अनिवार्य होगा। बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के घर से बाहर नहीं निकले और वृद्ध 60 वर्ष से अधिक घर से बाहर नहीं निकले। मुझे उम्मीद है कि आप प्रशासन के इस कदम पर आप सहयोग प्रदान करेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। सभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर पालन करेंगे। हम लोगों ने इसके अंतर्गत 17 जगह की प्रतिनिधि की गई है फोर्स की प्रतिनिधि की गई है जो सघन बाहर चेकिंग अभियान चलाएंगे और मास्क भी चेकिंग करेंगे। मास्क नहीं पहनने वाले ग्लव्स